युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शांतिं माप्नोति नैष्ठिकीम्। अयुक्ता कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्तस्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कार्यं। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं आज पितृपक्ष का पांचवा दिन और मैं आपको सुना रही हूँ श्रीमद् भागवत गीता का पांचवा अध्याय। बंधुओं जो मनुष्य भी पितृपक्ष में अर्थात श्राद्ध पक्ष में श्रीमद् भागवत गीता को सुनते हैं उनके पितरों को शीघ्र मुक्ति की प्राप्ति होती है और पितृ तृप्त होते हैं। पितृ तृप्त होकर अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हैं और उनके सभी काम बनते चले जाते हैं। बंधुओं पूर्ण विश्वास सच्ची निष्ठा के साथ ही पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत गीता को सुने। बंधुओं यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बोलो कृष्ण भगवान की जय, पितृ देव की जय। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे कृष्ण आप कर्मों के सन्यास की और फिर निष्काम कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में एक जो निश्चय किया हुआ कल्याण कारक होवे उसको मेरे लिए कहिए। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन कर्मों का सन्यास और निष्काम कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्मों के सन्यास से निष्काम कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ हैं। इसलिए हे अर्जुन जो पुरुष ना किसी से द्वेष करता है ना किसी की आकांक्षा करता है वह निष्काम कर्म योगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित हुआ पुरुष सुख पूर्वक संसार रूप बंधन से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन ऊपर कहे हुए सन्यास और निष्काम कर्म योग को मूर्ख लोग अलग अलग फल वाले कहते हैं ना कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में तो अच्छी प्रकार स्थित हुआ पुरुष दोनों के फलस्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है निष्काम कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग को फल रूप से एक देखता है वह ही यथार्थ देखता है, परंतु हे अर्जुन निष्काम कर्म योग के बिना सन्यास अर्थात मन इंद्रियों शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला निष्काम कर्मयोगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र प्राप्त हो जाता है। वश में किया हुआ है शरीर जिसके ऐसा जितेंद्रिय और विशुद्ध अंतःकरण वाला एवं संपूर्ण प्राणियों के आत्म रूप परमात्मा में एकीभाव हुआ निष्काम कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिपायमान नहीं होता। हे अर्जुन तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ सुनता हुआ स्पर्श करता हुआ सूंघता हुआ भोजन करता हुआ गमन करता हुआ सोता हुआ श्वास लेता हुआ बोलता हुआ त्यागता हुआ ग्रहण करता हुआ आँखों को खोलता और मिचता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं इस प्रकार समझता हुआ निसंदेह ऐसे माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, परंतु हे अर्जुन देह अभिमानियों द्वारा यह साधन होना कठिन है। निष्काम कर्म योग सुगम है, क्योंकि जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है वह पुरुष जल से कमल के पत्ते के सदृश पाप से लिपायमान नहीं होता। इसलिए निष्काम कर्म योगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रियें मन बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। इसी से निष्काम कर्मयोगी कर्मों के फल को परमेश्वर के अर्पण करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकामी पुरुष फल में आसक्त हुआ कामना के द्वारा बंधता है। इसलिए
निष्काम कर्म योग उत्तम है। हे अर्जुन, वश में है अंतःकरण जिसके, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष तो निसंदेह ना करता हुआ ना करवाता हुआ नौ द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर अर्थात इंद्रियों के अर्थों में बरतती हैं, ऐसा मानते हुए आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। परमेश्वर भी भूत प्राणियों के ना कर्तापन को ना कर्मों को ना कर्मों के फल के संयोग को वास्तव में रचता है, किंतु परमात्मा के सकाश से प्रकृति ही बरतती है और गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। सर्वव्यापी परमात्मा ना किसी के पाप कर्म को ना किसी के शुभ कर्म को ग्रहण करता है, किंतु माया के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, इससे सब जीव मोहित हो रहे हैं। परंतु जिनका वह अंतःकरण का अज्ञान आत्म ज्ञान द्वारा नाश हो गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशता है। हे अर्जुन, तद्रूप है बुद्धि जिनकी, तद्रूप है मन जिनका, उस सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही निरंतर एकीभाव से स्थिति जिनकी, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित हुए अपुनर्वृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। ऐसे वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में गो हाथी कुत्ते और चंडाल में भी समभाव से देखने वाले होते हैं। इसलिए जिनका मन समत्व भाव से स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित है जो पुरुष प्रिय को अर्थात जिसको लोग प्रिय समझते हैं उसको प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो, और अप्रिय को अर्थात जिसको लोग अप्रिय समझते हैं उनको प्राप्त होकर उद्वेगवान ना हो, ऐसा स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्म वेता पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा में एकी भाव से नित्य स्थित है। बाहर के विषयों में अर्थात संसारिक भोगों में आसक्ति रही अंतःकरण वाला पुरुष अंतःकरण में जो भगवत ध्यान जनित आनंद है उसको प्राप्त होता है, और वह पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा रूप योग में एकी भाव से स्थित हुआ अक्षय आनंद को अनुभव करता है, जो यह इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, वे यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं तो भी निसंदेह दुख के ही कारण है और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। जो मनुष्य शरीर के नाश होने से पहले ही काम और क्रोध से उत्पन्न हुए वेग को सहन करने में समर्थ है, अर्थात काम क्रोध को जिसने सदा के लिए जीत लिया है, वह मनुष्य इस लोक में योगी है और वही सुखी है। जो पुरुष निश्चय करके अंतर आत्मा में ही सुख वाला है और आत्मा में ही आराम वाला है, जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, ऐसा वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एकी भाव हुआ सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। नाश हो गए हैं सब पाप जिनके, तथा ज्ञान करके निवृत्त हो गया है संशय जिनका, और संपूर्ण भूत प्राणियों के हित में है रति जिनकी, एकाग्र हुआ है भगवान के ध्यान में चित्त जिनका, ऐसे ब्रह्मवेता पुरुष शांत पर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब और से शांत पर ब्रह्म परमात्मा ही प्राप्त है। हे अर्जुन, बाहर के विषय भोगों को ना चिंतन करता हुआ बाहर ही त्याग कर और नेत्रों की दृष्टि को भृक्ति के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जीती हुई है इंद्रियां मन और बुद्धि जिसकी, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित है वह सदा मुक्त ही है। और हे अर्जुन, मेरा भक्त मेरे को यज्ञ और तपों का भोगने वाला संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का ईश्वर संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित प्रेमी
ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है और सच्चिदानंद घन परिपूर्ण शांत ब्रह्म के सिवा उसकी दृष्टि में और कुछ भी नहीं रहता, केवल वसुदेव ही वसुदेव रह जाता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारा ये गीता का अध्याय पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।